नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईएलएच टीवी इंडिया में। आपको बता दें, मौसम को लेकर अभी एक ताजा रिपोर्ट निकल कर आ रही कि यूपी वेदर अपडेट, तूफानी बारिश का काउंटडाउन शुरू। अगले 3-4 दिनों तक लगातार भयंकर होगी बारिश, रहे सावधान, मौसम विभाग की चेतावनी। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे या 48 घंटे तूफानी बारिश का काउंटडाउन शुरू होने की बात कही है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को एंड तक देखें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि यूपी में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने आज सुबह ताजा अपडेट जारी करते हुए कहा है कि आज भी प्रदेश के 32 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां तेज अंधड़ के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि आज सुबह की शुरुआत काले बादलों के डेरे से हुई और मौसम लगातार ठंडा बना रहा। आज दोपहर बाद से मिर्जापुर, बनारस, बलिया समेत यूपी के 32 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बताया कि अगले 3-4 दिनों तक हथिया जैसी बारिश यानी मूसलाधार बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। इसी बीच आपको बता दें कि आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का लगातार दौर शुरू होगा। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को मिली। खेती किसानी करने वाले लोग आपको बता दें अगस्त महीने में होने वाली बारिश से खुश नजर आ रहे हैं। वहीं आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसी बीच चलिए जानते हैं कि वो कौन से 32 से ज्यादा जिले हैं जिन्हें मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने यूपी की श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, बस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोंडा, बाराबंकी, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, संत रविदास नगर, गाजीपुर, जौनपुर, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और आसपास के इलाकों में तेज बारिश और आंधी पानी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि फिलहाल वीकेंड पर मौसम में कोई बड़ा बदलाव होता नजर नहीं दिखाई दे रहा है। मौसम जैसा है वैसा ही बना रहेगा। बारिश होने की वजह से उमस और गर्मी से भी कमी रहेगी। और उन्होंने बताया कि मौसम सुहाना होने की वजह से पूरे प्रदेश के जिलों में न्यूनतम तापमान भी 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान भी 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। इसी बीच आपको बता दें कि एक और मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि मानसून की वर्षा रेखा हिमालय के नेपाल क्षेत्र के पास है, जिससे अगले 3-4 दिनों तो राज्य में बारिश का सिलसिला बना रहेगा। कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी, जबकि कुछ जिलों में बादलों का आना जाना लगा रहेगा। इसी बीच आपको बता दें कि ये भी खबर आ रही कि कल कई जिलों में आपको बता दें बारिश हुई और लखनऊ में भी पूरा दिन धूप नहीं निकली। पूरे दिन लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होती रही और ठंडी हवाएं चलने की वजह से लोगों को एक बार फिर गर्मी से राहत मिली। तो वहीं अगर बात करें बारिश की, तो सबसे ज्यादा बारिश गाजीपुर में रिकॉर्ड की गई, जहां पर 30 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा गोरखपुर में 8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि बलिया में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरे जिलों में भी 5 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि कल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ज्यादातर बारिश नहीं हुई, लेकिन दिनभर बादलों की आवाजाही और धूप न निकलने की वजह से मौसम सुहाना बना रहा, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।